हो रही है रात, और रात में चलते हैं एक बार फिर से बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ बद्रीनाथ जी। आज करेंगे बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन। तो अभी ये जो रास्ता आप रास्ते में देख रहे हैं, ये है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ऋषिकेश हम लोग किस तरीके से पहुँचे और बद्रीनाथ आप लोग किस तरीके से पहुँच सकते हैं, मैं ये रास्ता पूरा बताती हूँ। हम लोग दिल्ली से पहुँचे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमने जो है बस ली थी ऋषिकेश के लिए। तो बस का जो चार्ज था एक बंदे का 400 रुपये हमें पड़ा। फिर हम ऋषिकेश पे 2 बजे पहुंच गए थे रात में। तो रात में वहां पे बसें खड़ी थी केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए और हेमकुंड साहिब जी के लिए। तो वहां से हमने जो है 2 बजे वहां पे बस में बैठ गए थे, लेकिन बसें जो चलना शुरू हुई वो 5:30 बजे चलना शुरू हुई, क्योंकि जो पहाड़ों में लाइट नहीं है तो दिन के उजाले में ही जो है बसें चलती हैं। तो दिल्ली से जो है बद्रीनाथ की जो दूरी है 552 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ भगवान जी का जो है मंदिर, और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जो मंदिर टेंपल पड़ता है वो 300 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। मतलब पहाड़ों में हमारी जो गाड़ी है ये बता रहे हैं कि अभी 14 से 15 घंटे पहाड़ों में ही चलेगी। मतलब हम सुबह 5:30 बजे निकले हैं तो शायद हम शाम को 6:30 या 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। मतलब रात होने होने से पहले ये हमें पहुंचा देंगे। और अभी यहाँ पर देखिए सूर्यदेव निकल आए हैं। अभी हम ऋषिकेश के ही रास्ते में हैं, आगे जाके पड़ेगा देवप्रयाग, तो वो भी देखेंगे। और सूर्यदेव देखिए पहाड़ों में कितने ऊपर लग रहे हैं, घरों में बिल्डिंगों से इतना सूर्यदेव जो है दिखाई नहीं देते। और बद्रीनाथ जी का जो मंदिर जाने का जो रास्ता है ना, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। अगर आप कुदरत का अनुभव करना चाहते हैं ना, तो पहाड़ों में असली जन्नत बोला गया है। और उत्तराखंड तो वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हेवन है अपने आप में। तो बहुत से लोग जो है बद्रीनाथ सोचते हैं कि ट्रेन जा सकती है, लेकिन ट्रेन का जो है रास्ता नहीं है, तो आपको कार से या बाइक से या फिर बस से ही आना पड़ेगा। और बस उसमें भी आपको 14 से 15 घंटे ऊपर पहुंचने, ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने में लगेंगे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। बाइक से ना आए, कार से या बस से ही आए। अब देखिए हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये देवप्रयाग है, तो आगे ये जो नदी दिख रही है ये भागीरथी है, और साइड में अलकनंदा भी आ रही है। तो आगे इनका जो है संगम हो रहा है, वो देखेंगे अभी आगे पड़ेगा रास्ते में। तो चलिए, और ये खूबसूरती देखिए कितनी सुंदर लग रहा है। एक सूरज की रोशनी की किरण आ रही है। मैंने शीशा बंद कर रखा है कि फ़ोन मेरा बाहर ना गिर जाए, क्योंकि ना गाड़ी में मोड़ आ रहे हैं तो हम एक साइड गिरते हैं, कभी एक साइड इधर होते हैं। अब देखिए ये भागीरथी, ये जो मटमैला पानी है ये है अलकनंदा, और जो ब्लू कलर का दिखेगा ये होगा भागीरथी। भागीरथी मीन्स गंगा। तो ये देख लीजिए, आगे देखते हैं संगम कितना दिखाई देता है, बस से इतना क्लियर नहीं आ रहा। ये है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ही भागीरथी अलकनंदा का जो है संगम हो रहा है, इसलिए इसे देवप्रयाग बोला जाता है। और बीच में ही था धारी देवी जी का मंदिर बोला जाता है। उस मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई थी जब भी जो है केदारनाथ मंदिर पर बाढ़ आ गई थी बहुत बुरी तरीके से। उस मंदिर की खास बात यह है कि उस मंदिर में जो देवी माता की मूर्ति है वो 3 रूप लेती है। सुबह कन्या का रूप, दोपहर में किशोर अवस्था में आ जाती हैं वो, और रात के वक्त वो जो है अपना बूढ़ा फेस उनका हो जाता है। तो वो मंदिर हम लोगों ने सिर्फ दूर से देखा। अरे बद्रीनाथ पहुंचने के लिए अब हमारा ऊपर का रास्ता है। अब आगे का व्यू जो है दूर बस के उस साइड आ रहा होगा, इस साइड नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पहाड़ों में ना बहुत सारे झरने हैं। यहाँ पे बद्रीनाथ जी का रास्ता, बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो जोशीमठ से जो है सिर्फ 2 घंटे दूरी पर रह जाता है। तो जोशीमठ जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद पड़ेगा गोविंद घाट, घाघरिया, और उसके बाद पड़ेगा बद्रीनाथ जी का टेम्पल। तो जोशीमठ जो है एक डेस्टिनेशन आ जाती है, जहाँ से हम जो है बद्रीनाथ बाबा के बहुत निकट हो जाते हैं, सिर्फ 2 घंटा ऊपर हो जाते हैं। और अभी जैसे शाम के जो है
चार बज रहे हैं, हम सुबह 5:30 बजे के चले हुए हैं और अभी तक भी मंदिर नहीं पहुंचे हैं। अब आने वाला है जोशी मठ। जोशी मठ के बाद जो रास्ता बहुत खूबसूरत है, उसके बाद उस आप रास्ते का जो है अनुभव कीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स 14 से 15 घंटे चलने के बाद पहुंच गए हैं बद्री बाबा के दरबार में। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आगे करेंगे बद्री विशाल जी के दर्शन। रास्ता है बद्रीनाथ जी के, जो मेन मंदिर है वहां जाने का। चलिए चलते हैं, पहाड़ों के बीच में है बाबा का मंदिर। और ये जो पहाड़ ऊपर देख रहे हैं, ये दो पर्वत हैं, एक नर पर्वत है, एक नारायण है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, कराते हैं आपको बद्रीनाथ बाबा के दर्शन। आपको दोनों पर्वत मैंने दिखा दिए थे, नर पर्वत और नारायण पर्वत, फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ से पूरा बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो शुरू हो गया है। ये कुछ इस तरीके से शॉप्स हैं रास्ते में, गर्म कपड़े मिल रहे हैं, जो लोग ना लाएं वो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे हैं, अफोर्डेबल नहीं है। ये है नारायण पर्वत, उसके पीछे है नर पर्वत। नर पर्वत आप देख चुके थे, देखिए ये उन लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं जो अपने कन्वेंस से आए हैं। मतलब वैसे बद्रीनाथ जो है ट्रेन नहीं आती, आपको कार या बस से ही आना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ कपड़ों की शॉप्स हैं, गरम वूलन कपड़े। यहाँ पे सामान मिल रहा है, मार्केट है। यहाँ भी कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। अरे भीड़, मंदिर के दर्शन होना दुर्बल है, शायद मंदिर बंद है। चलो ये देखो छोटे से केदारनाथ जी, वो रहा बद्रीनाथ जी का मंदिर। अभी बद्रीनाथ जी का मंदिर ऐसा लग रहा है बंद है, क्योंकि नीचे पब्लिक खड़ी हुई है, ऊपर अंदर घुस नहीं रही और कोई खो जाए तो आप अनाउंसमेंट भी करवा सकते हैं, जैसे आगे पीछे हो जाए। यहाँ पे शॉप्स हैं, ये बद्रीनाथ की जो है शॉप्स हैं। यहाँ पे देखिए ये कामधेनु गायें, ये मार्केट में सारी चीज़ें आपको अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में जो है मिल रही हैं, तो आप खरीद सकते हैं अगर बद्रीनाथ आए तो। ये देखिए ये सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये केजी के हिसाब से हैं और ये 4-4, 5-5 हज़ार की हैं, लेकिन इनका जो वेट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब घर में आपके काफ़ी चलेंगी ये मूर्तियाँ। लकड़ी के केदारनाथ जी भगवान रखे हैं। और यहाँ पे कुछ ये बैंगल्स वगैरह मिल रहे हैं, ये मालाएं हैं, तो आप ले सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे हमारे जो जवान हैं सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। देखिए हमारा झंडा, आपका हिंदुस्तान का झंडा लहरता हुआ दिख रहा होगा, अभी देख लीजिए कितनी ऊंचाई पे लोग जो हमारे फौजी है ट्रैक करके गए हैं।
कहाँ पे? ये देखिए एक उर्वशी शिला पे यहाँ पे भी तिरंगा लगा हुआ। तिरंगा दिख नहीं रहा, तिरंगा दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे भी तिरंगे लगे हैं सबसे ऊंची चोटी पे फ्रेंड्स। तो हमारे जवान देखो कितनी मेहनत करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। एक तिरंगा वहाँ लहर रहा है बहुत छोटा सा, क्योंकि यहाँ से जो पीछे है ना पूरा चाइना है फ्रेंड्स। तो चाइना पे नजर रखने के लिए अपने हमारे जवानों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत थोड़ी सी नहीं, ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलिए ये रे बद्री विशाल जी, देखिए विशाल विशाल पहाड़ों में बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं। ये रे, पहले मुझे ना इल्यूजन था कि ये जो मंदिर है बद्रीनाथ जी का ये शिव जी का है, लेकिन यहाँ पे आगे पता चला ये शिव जी का नहीं नारायण का मंदिर है। नारायण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये रास्ता है यहाँ पे जाने का, शाम को पूरा सजा होता है फूलों से। ये है पुल, चलो पुल को प्रणाम करते हैं, आगे चलते हैं। जय बद्री विशाल बाबा, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। और वो छोटी सी नदी जो देखी थी वो यहाँ से आ रही है अभी। देखिए यहाँ का कुत्ता बिल्कुल शेर जैसा लग रहा है। देखिए पानी, कोशिश करती हूँ दिखाने की। अभी यहाँ से जा रहे हैं लेकिन मंदिर बंद है, हम यहाँ पे जाएंगे। फोन को बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि चारों साइड ना नदी है, तो नदी में चला गया लाना वापस मुश्किल पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। चलो चलो तेजी से चलते हैं, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, इतने सारे लोगों के साथ आप शेयर करना वीडियो कि बद्रीनाथ जो लोग आना चाहते हैं उन्हें कोई भी परेशानी बद्रीनाथ आने में ना हो। देखो वो राम मंदिर चमक रहा है कैसे। जय नारायण। ठंड बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने कल्पना नहीं की थी कि दिल्ली से हम आए हैं इतनी भरी गर्मी में यहाँ पे इतनी ठंड होगी, हमको पता भी नहीं था इतनी ठंड के बारे में। मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा है, सोची नहीं थी इतनी ज़्यादा ठंड, और दिल्ली में कभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती भी नहीं है। यहाँ पे ये मंदिर सिर्फ और 15 दिन खुला हुआ है, उसके बाद ही मंदिर बंद कर दिया जाएगा क्योंकि पूरा मंदिर बर्फ की चादरों से ढक जाएगा बाबा का। ये जो आप धुआं देख रहे हो ना, ये धुआं उठ रहा है गर्म पानी के कुंड में से। ये है गर्म पानी का कुंड, इसमें देखिए लोग नहा रहे होंगे। लोगों को नहाते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। वैसे वुमेन्स का अलग है, वुमेन्स का कुंड जो है ना पूरा कवर है उसमें बैठ के, लेकिन ये पानी भी इतना ज्यादा तेज गर्म है, जितनी ठंड है ना उससे ज्यादा तेज ये पानी गर्म है। हम लोग सुबह नहाए थे कुंड में, औरतें सीधा उतरी और डुबकी मार रही थी कुंड के अंदर, लेकिन डुबकी नहीं मारी जा रही। वो पानी भी बहुत ज्यादा गर्म है, जितना पानी ठंडा है ना उससे दुगना पानी गर्म है। मतलब 4 से 6 कुंड है गर्म पानी के, कुदरती तौर पे गर्म पानी है। तो चल रहे हैं यहाँ पे बद्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए ऊपर। कुछ इस तरीके का नजारा मिलेगा आपको जाने के लिए ऊपर, चलते हैं। चलो ना ऐसी चप्पल नहीं, चप्पल पहन के चलो। ले
एक जय देवी नारायण। ऊपर आ गए हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से मंदिर का नजारा है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बोलो बद्री विशाल की जय। ये सारी डेकोरेशन फ्लावर से की हुई है। अभी मंदिर बंद होने वाला है, ये सारी भीड़ है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।